हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं इस बात पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे कि जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, 10th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी प्रिपरेशन कैसे करें। वो बच्चों का बार बार कॉल आता है कि हम लोग की प्रिपरेशन कैसे होगी, हम लोग कैसे पढ़ें मैम, हम लोग की प्रॉपर क्लासेस नहीं चल रही है। तो उन्हीं बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। बताना चाहूँगी कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपने जो भी सब्जेक्ट ले रखा है 10th क्लास में, 12th क्लास में, स्पेशली अगर 12th के बोर्ड के बच्चे हैं, आपने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जिस भी ग्रुप से आप पढ़ रहे हैं, तो बच्चों का मोस्टली उस सब्जेक्ट पे सबसे अधिक फोकस होता है जो उन्हें नहीं आता, जो उनके लिए टफ़ होता है। जैसे अगर वो साइंस ग्रुप में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले, वो मैथ्स को ज़्यादा फोकस करते हैं, बायो वाले बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा फोकस करते हैं, बायो को करते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं 10th क्लास में, 12th क्लास में, सभी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिस सब्जेक्ट को आप सबसे अधिक पढ़ रहे हैं, जिसकी प्रिपरेशन आप दिन रात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट आपका 200 मार्क्स का है या आपको उस पर बहुत अधिक कमांड है तो उसमें 200 मिल जाएगा। नहीं, मैक्सिमम आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, अदर सब्जेक्ट को कि ये इजी है ऐसा समझ के, जो पेपर थोड़े इजी उनको लगते हैं या जो उन्हें आता है उसको इग्नोर करते हैं, उस पर प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं। बट बेटा, मैं आप सबों को ये बताना चाहूँगी कि हर सब्जेक्ट जब आपका 100 मार्क्स का है, तो जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा अच्छे से आता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसको भी उतना ही टाइम दीजिए जितना कि मैथ्स को, अकाउंट्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को देते हैं। अदर सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश को भी उतना ही टाइम दीजिए। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा ईजी है, हिंदी है या इंग्लिश है, वही सब्जेक्ट आपके परसेंटेज गेन बढ़ा सकते हैं एग्जामिनेशन में। उन सब्जेक्ट में आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर उनको भी साथ साथ मैथ्स के साथ या अकाउंट्स के साथ, इंग्लिश के साथ, बाकी अदर्स जो जिनको आप मेन सब्जेक्ट समझते हैं, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उनके साथ आप ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, जो आपने अलग से और सब्जेक्ट ले रखा है, उनको भी साथ साथ उतना ही फोकस दे के अगर आप पढ़ेंगे, वैसे ही प्रिपरेशन करेंगे, तो बेशक आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएंगे। हो सकता है कि कोई बच्चा मैथ्स में वीक हो, किसी का फिजिक्स वीक हो, किसी का थोड़ा केमिस्ट्री में वो थोड़ा वीक हो, या अकाउंट्स उसको कम आता हो, तो जो बाकी अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो बाकी जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे बिजनेस है, मनी बैंकिंग है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, इन सब्जेक्ट में आप अगर शुरू से मेहनत करते रहेंगे, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस मत पढ़िए। पहले आप सबसे पहले क्या करिए कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वैसे आप किसी भी बोर्ड से पढ़ें तो एटलीस्ट उसमें 10 मार्क्स का तो वो क्वेश्चन आता ही है। चाहे सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, चाहे यूपी बोर्ड के, आईसीएसई, किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, तो उसमें 10 मार्क्स का तो आता ही है। तो सबसे पहले आप मार्क्स के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़िए और साथ में मार्क्स भी डिवाइड कर लीजिए। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जो 1 मार्क्स वाले होते हैं, उनको आप तैयार करिए, उनको आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करके भी उनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब ऐसे आप वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लास्ट में जाके लॉन्ग क्वेश्चन को करिए, मे बी कि 1-2 मंथ में चीज़ें सब नॉर्मल हो जाएं, स्कूल पहले की तरह ओपन हो जाएं और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो सकती है और होने लगे, वो तो ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। बट इस टाइम जब अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप अपने घरों में बैठे हैं, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर डिपेंड हैं या बुक के ऊपर डिपेंड हैं, तो आप सेल्फ स्टडी करिए। हर चैप्टर से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उनको मार्क करिए, जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट लाइन है उसको अंडरलाइन करिए, मार्क करिए और उसको अपनी नोटबुक में नोट करिए, जो इम्पॉर्टेंट लगे हर एक पैराग्राफ से। तो उससे क्या होगा कि हर चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो आपका तैयार हो जाएगा और आप घर बैठे बिना सिंपल स्टडी करके आप हर सब्जेक्ट में पहले पासिंग मार्क्स का जो जितना 20-30-40% का होता है, ये आप वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इनको प्रिपेयर करके आप उतना तो अपना नंबर सेव कर लेंगे। तो इस तरह से पढ़िए और फिर जो सब्जेक्ट इजी है, जैसे हिंदी पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान, शुरू से थोड़ा सा ध्यान देते रहेंगे, जैसे मैथ्स आप डेली पढ़ते हैं, अकाउंट्स डेली लगाते हैं, फिजिक्स डेली पढ़ते हैं,
इंग्लिश जिन बच्चों को टफ लगता है वो बच्चे इंग्लिश डेली पढ़ते, तो वैसे ही जो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, कुछ बच्चे कंप्यूटर ले रखे होते हैं, कुछ का हिंदी होता है, तो आप उन सब्जेक्ट को भी जो थोड़े ईजी लगते हैं उनको भी डेली हाफ एन आवर टाइम दीजिए। उससे क्या होगा कि उन सब्जेक्ट्स में जो ईजी आपको लगते हैं उनमें आपका ज़्यादा अच्छा कमांड हो जाएगा आप, और आप उन सब्जेक्ट में मोर देन 90% नंबर्स गेन कर सकते हैं, जिससे कि आपका ओवरऑल रिजल्ट टोटल परसेंटेज बहुत अच्छा गेन हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन करिए, सेल्फ स्टडी करिए, और जहाँ नहीं आए वहाँ अपने टीचर्स से बात करिए, उनके कांटेक्ट में रहिए, उनसे हेल्प लीजिए। इस टाइम टीचर्स, स्कूल, स्टूडेंट सभी सफ़र कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स ही सफ़र कर रहे हैं, सभी सफ़र कर रहे हैं, और सबको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा सक्सेस के लिए। तो इससे परेशान नहीं होइए, मेहनत करिए, और जैसा बताया मैंने कि आप पॉइंट टू पॉइंट खुद से मार्क करके आप पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं, वैसे करिए, बेशक आपके एग्जामिनेशन में मोर देन 90% नंबर आएंगे। किसी सब्जेक्ट को आप इजी समझ के ये बहुत आसान है इसको बाद में पढ़ लेंगे ऐसा मत समझिए, हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, और किसी सब्जेक्ट में आपको जिसको आप पर डे 4 घंटे दे रहे हैं तो उसमें आपको 200 मार्क्स नहीं मिलने वाले, वो भी 100 मार्क्स का ही है, और जिसको आप सोचते हैं कि चलो इसको लास्ट टाइम पढ़ लेंगे वो भी 100 मार्क्स का है। तो इसका ध्यान रखिए कि हर एक सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का है, और किसी को इग्नोर नहीं करिए, सब पे पूरा पूरा ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।